अब बचने की कोई संभावना नहीं। तब हनुमान जी को कहा, जाके लाओ जल्दी से, मैं कुछ देर तो जीवन बचा सकता हूँ, बाकी आगे की गारंटी नहीं है। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेके आए और सुषेण ने संजीवनी सुंघाई, खिलाई नहीं सुंघाई, और लक्ष्मण जीवित हो गए। तो कोई तो है दम भाई, ऐसा तो नहीं है, सूंघने मात्र से वो जीवित हो गए। हम तो ये महाभारत की कहानी देखते हैं, युद्ध चला है और आप जानते हैं भयंकर युद्ध चला है। भारत के पिछले हजारों साल के इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध हुआ है तो महाभारत का युद्ध हुआ है, जिसमें थोड़े बहुत नहीं लाखों लोग मारे गए। लेकिन उस युद्ध में बार बार हमें यह पता चलता है कि सवेरे से शाम तक युद्ध होता है, रात को सभी पालों के वैद्य अपने अपने घायल सैनिकों के घावों पर मरहम लगा रहे हैं, लेपन कर रहे हैं, और अगले दिन वो फिर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति दुनिया में है जो 12 घंटे में आदमी को लड़ने के लिए तैयार कर दे। और महाभारत की ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां, उसमें से तो एक कहानी मैं बताता हूं। कौरवों की कहानी जानते हो, 100 थे, एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए, एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए। और अद्भुत बात जो समझने की है, वो 100 के 100 सभी पुत्र एक जैसे, ऊंचाई में एक जैसे, चौड़ाई में एक जैसे, लंबाई सबकी बराबर, हाथों की लंबाई बराबर, शरीर सबका एक जैसा, चेहरा सबका एक जैसा, बड़ा मुश्किल पहचानना। तो ये तो भाई कोई क्लोनिंग हुआ हो तभी संभव है, वरना कैसे संभव है। अभी तो हम प्राकृतिक तरीके से जानते हैं कि दो ट्विंस भी पैदा हो जाएं तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन कौरव तो सबके सब एक जैसे। तो शायद उस समय कोई बड़े महान चिकित्सक रहे हों जिन्होंने गांधारी के रक्त में से कुछ निकालकर क्लोन कर दिया हो, या उनके गर्भाशय से कुछ निकालकर क्लोन किया हो, उसमें से ये कौरव पैदा हुए हों। तो ये क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी तो 5000 साल पहले इस देश में थी, यूरोप तो अभी जान रहा है इसको, और यूरोप अभी तक भेड़ बकरियों पर प्रयोग कर रहा है, यहां तो आदमियों पर प्रयोग 5000 साल पहले हुआ। तो कोई तो दम होगा इसमें। हमारे सुश्रुत संहिता को आप जानते ही हैं, आप में से शायद किसी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। सुश्रुत संहिता में बहुत साल से पढ़ता रहता हूं, हालांकि मेरा विषय तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट है। जब जब मैं सुश्रुत संहिता पढ़ता हूँ, माइक्रो लेवल पे जब जाओ तो इतने तरह के उपकरणों के वर्णन उसमें हैं, इतने तरह के उपकरणों के वर्णन है सर्जरी करने के लिए, क्या आश्चर्य होता है। अगर सुश्रुत संहिता से एक एक उपकरण को निकालकर लिस्ट बना दी जाए तो आज के आधुनिक सर्जरी में जितने उपकरण है उससे कम नहीं है। और उन उपकरणों को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला मेटल है, फौलाद कहिए, वो सिर्फ आयरन नहीं है, ऐसा मेटल इस्तेमाल है जिसमें 7 धातुएं हैं ताकि उसमें जंग न लगे। और आज के जितने भी अच्छे से अच्छे सर्जरी के उपकरण भारत में हैं, सभी में जंग लगती है, लेकिन सुश्रुत के उपकरणों में जंग नहीं है। तो इतने तरह के उपकरण उस जमाने में बनते थे, सुश्रुत का समय तो कोई आज का नहीं है, कम से कम 3500 साल का है, उस समय अगर ऐसे उपकरण बनते थे तो कोई तो दम होगा इस देश की चिकित्सा व्यवस्था में, ऐसे तो नहीं है। जब यूरोप में और अमेरिका में शरीर की नस काट कर रक्त बहा दो यही चिकित्सा है, उस समय इस देश में सुश्रुत की राइनोप्लास्टी रही। आपको मालूम है राइनोप्लास्टी भारत ने दुनिया को सिखाया है, और राइनोप्लास्टी के भारत में 1500 से ज्यादा केंद्र थे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले तक। उनके स्थान और पूरे वर्णन मेरे पास है और अंग्रेजों के दस्तावेज में से निकाले हुए। भारत में सबसे बड़ा राइनोप्लास्टी का केंद्र था कांगड़ा,
कांगड़ा कहाँ है? शिमला के आगे हिमाचल में। और कांगड़ा और उसके आसपास में 700 केंद्र थे जो राइनोप्लास्टी सिखाते थे। दक्षिण में जबरदस्त केंद्र थे राइनोप्लास्टी के। मैसूर स्टेट है ना, मैसूर स्टेट में 150 से ज्यादा केंद्र थे आज से 200 साल पहले। और ये घुस गया है, अब इसको निकालने की बात है। ये निकलेगा नहीं वायरस तब तक इस देश की चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक रहेगी और बाहर से आई हुई मुख्य हो जाए। इस वायरस को निकालना है वो हम सबको। कैसे निकालें? पहले तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखें कि हमारी चिकित्सा पद्धति में बहुत दम है। इसके दम के कुछ उदाहरण बताता हूं। जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण बेहोश हो गए और सुषेण ने जब नाड़ी देखी, ये तो गया, अब बचने की कोई संभावना नहीं, तब हनुमान जी को कहा जाके लाओ जल्दी से, मैं कुछ देर तो जीवन बचा सकता हूं, बाकी आगे की गारंटी नहीं है। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेके आए और सुषेण ने संजीवनी सुंघाई, खिलाई नहीं सुंघाई, और लक्ष्मण जीवित हो गए। तो कोई तो है दम भाई, ऐसा तो नहीं है सूंघने मात्र से वो जीवित हो गए। हम तो ये महाभारत की कहानी देखते हैं, युद्ध चला है और आप जानते हैं भयंकर युद्ध चला है। भारत के पिछले हजारों साल के इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध हुआ है तो महाभारत का युद्ध हुआ है, जिसमें थोड़े बहुत नहीं लाखों लोग मारे गए। लेकिन उस युद्ध में बार बार हमें यह पता चलता है कि सवेरे से शाम तक युद्ध होता है, रात को सभी पालों के वैद्य अपने अपने घायल सैनिकों के घावों पर मरहम लगा रहे हैं, लेपन कर रहे हैं, और अगले दिन वो फिर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति दुनिया में है जो 12 घंटे में आदमी को लड़ने के लिए तैयार कर दे? और महाभारत की ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां, उसमें से तो एक कहानी मैं बताता हूं। कौरवों की कहानी जानते हो, 100 थे, एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए? जो राजनीतिक पार्टियां है ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह है ये। हाँ, मैंने इनको पार्टी कहना बंद कर दिया, लुटेरों के गिरोह है ये, पार्टी नहीं है। और लूट में नेताजी लगे हैं, उनकी पत्नी लगी है, फिर उनका बेटा लगा है, बेटे की भी पत्नी लगी है, फिर उनका चाचा, उनका ताऊ, उनका भतीजा, उनका मामा, उनका साला, सभी तो लूटने में लगे हैं। बताओ कौन सा खानदान है जो नहीं लूट रहा? खानदान के खानदान लूट में लगे हुए हैं, यही देख लो आंध्र प्रदेश में। कल तक आंध्र प्रदेश के जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी 20 साल पहले, आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में कहां से आ गई? लूट के आई। और आंध्र प्रदेश क्या, महाराष्ट्र में देख लो, कर्नाटक में, सब जगह यही हाल है। और ये जो राजनीति है, ये चूंकि लुटेरों का गिरोह बन गई है, इसलिए हर लूटखोर नेता का बेटा और बेटी उसमें घुस रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आसान काम और क्या मिलेगा? चाय की दुकान भी चलानी पड़ती है तो मेहनत लगती है, यहाँ राजनीति में बिना मेहनत के लूटने को मिलता है। ना कोई मेहनत है, ना कोई मशक्कत है, ना कोई टैक्स देना है, और ना किसी से कोई जवाबदेही है। लूटो लूटो, घर भरो, विदेशी बैंकों के खाते भरो, ये है हमारे देश में। तो मैंने कहा कि अभी एक रास्ता तो ये है कि हम सब फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का अवतार ग्रहण करें और इन नए काले अंग्रेजों को इस लूट की व्यवस्था से बाहर करें। ये एक रास्ता है। एक और रास्ता है दूसरा, कि हम सब कुछ ना करें, खामोश बैठे रहें। एक दूसरा रास्ता और है, खामोश बैठे रहें और कहें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाने वाले हो। ये दूसरा रास्ता हाँ, और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले 10-20 नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, रोज आते हैं और माला पकड़ा देते हैं, राम 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 राम, राधे 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 राधे, राम 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 राम, राधे राधे, बस यही करो, देश तो ठीक हो जाएगा। और ज्यादा उनसे तर्क करो
तो कहने लगे तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा। वो हमको समझाते और इसी को धर्म कहते, इसी को धर्म कहते। और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ हुई है, हाँ बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा। और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा भाई, ये बापू नहीं है डाकू है। बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए। कहीं से 10 करोड़ लूटो, कहीं से 20 करोड़, कहीं से 25 करोड़, और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धन का करें क्या, इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापुओं को देते रहते हो आप, क्या करें उसे। और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वाह वाह। मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है। भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें, जो साहस पैदा करें। राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है। जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए राम, तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना, उसमें कहते हैं राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, हाय सीते। ये सुनाते हैं आपको, हाँ यही सुनाते हैं निकाल के कहानी में। और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाय सीते हे सीते हाय सीते यही करना था 14 साल, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया। सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए, वो तो कर लेते दूसरा विवाह, क्योंकि हाय सीते हे सीते हाय सीते हे सीते, एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही पिलक रहे थे, तड़प रहे थे, दूसरा विवाह कर लेते तो ये सब चुप हो जाते, फिर बात नहीं करते। फिर मैं उनको रामायण में से निकाल के दिखाता हूं, देखो राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संहार किया उन्होंने, मारा उनको और धर्म की स्थापना कराई। ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है। तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको, उनकी जो कमजोरियां हैं वो सुनाते हैं आपको। और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच पे बैठ के आहा कैसे आंसू ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए, ओ राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। और ये सारा वर्णन एयर कंडीशन्ड मंच पर बैठकर होता है, अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर, एयर कंडीशन्ड मंच चाहिए, एयर कंडीशन्ड घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टेड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहां एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर चार्टेड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है बिना टैक्स का। और मुझे बहुत शर्म है ये कहते हुए, समय आने पर प्रमाण से बात करूंगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे इससे भी बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में, वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं वो दूसरे लोगों को, और आपके दिए हुए पैसे से धंधा बना रहे हैं अपना। फिर ऐसे कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते राधे 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 राधे, और कुछ कहो ही मत राधे राधे। कंस को मारा,
जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। हाँ, क्योंकि आपको कायर बनाना है ना, निर्वीर बनाना है, नपुंसक बनाना है, तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है? तो चुन चुन कर ऐसी कहानियां सुनाते हैं। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 बस इसी में, और समझाते रहो तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। एक रास्ता ये है, अब दो रास्ते हैं अपने सामने, एक रास्ता भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर का, एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का, पाखंडियों का, जो राम की कथा कृष्ण की कथा, मुझे बहुत ऑफर आए हैं, मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूं, सच में कह रहा हूं आपसे, नाम नहीं लेता, मुझे ऑफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा बापूजी क्या होगा उसमें, तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा। मैं बोल रहा कैसे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का, मजमा लगाने का तरीका है, मैं ऐसा डमरू बजाता हूं कि सब इकट्ठे होते हैं और तुम्हारी वाणी में जोर बहुत है, मिलके लूटेंगे, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा, ऐसे खुले ऑफर है मेरे पास। और मैं कहता हूं बापूजी माफ करो, क्यों? कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास, यही एक बचा, पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं, ये एक रास्ता थोड़ी है, बहुत तरीके हैं पैसे कमा लूं, घर बना लूं, बीवी बच्चे ले आऊं, करोड़पति हो जाऊं, 10 करोड़पति हो जाऊं, 100 करोड़पति हो जाऊं, बहुत आसान काम है ये, तो थोड़ी चालाकी हो तो सैकड़ों करोड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस देश में। फिर अंत में तो वही होगा ना, सैकड़ों करोड़ हो गए, एक दिन डायबिटीज होगी, एक दिन अर्थराइटिस होगा, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, मैं मरने ही वाला हूं, तो मरना तो है ही, वहां भी शायद जल्दी मरूं, क्योंकि जब शरीर में तामस वृत्ति आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी, जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है, तो तामस वृत्ति आएगी, मरना मुझे वहां भी है, तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरूं जहां सात्विक वृत्ति भी है, मरना है तो पक्का ही है, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं, तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा, ऊधम सिंह का रास्ता क्या बुरा, चंद्रशेखर का रास्ता क्या बुरा, कुछ करके मरो ना, मरेंगे ये सब भी, साधु संत पाखंडी, राम की कथा सुनाते सुनाते हार्ट अटैक आएगा, मरेंगे वो भी, डायबिटीज सबको हो रखी है, मैंने देखा है नजदीक से जाके, सब इंसुलिन लगाते हैं, खाते हैं गोलियां, अपनी डायबिटीज नहीं मिटा पाते, दूसरों को उपदेश देते फिरते, ब्लड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो काला धन है ना, इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है, सब बीपी की गोलियां खाते हैं, सब डायबिटीज के लिए शिकार है, तो दूसरों को उपदेश देंगे तो मैं भी लग जाऊं, वो एक रास्ता है, एक रास्ता भगत सिंह ऊधम सिंह चंद्रशेखर का भी है, मौत तो दोनों में ही आने वाली है, बस अंतर इतना है, एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा, और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा नहीं। तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता, भगत सिंह वाला, ऊधम सिंह वाला, और तय कर लिया है कि जैसे भगत सिंह ऊधम सिंह चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया, वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार। ये बात हमें आजादी के 60 साल के बाद कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये बात तो लोकमान्य तिलक आजादी के पहले कहा करते थे। लोकमान्य तिलक सन 1905 में यही बात पर जगह जगह वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम्स किया करते थे, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत। 1905 से 1911 तक सैकड़ों बार उन्होंने इस विषय पर परिचर्चा आयोजित की है। इसी तरह से 1905 से 1911 के बीच में
लाला लाजपत राय स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे। इसी तरह से कलकत्ता के और पूरे बंगाल और भारत के बहुत बड़े क्रांतिवीर अरविंद घोष स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे। हमारे देश के आजादी के बहुत बड़े नायक महात्मा गांधी आजादी के पूरे समय में माने आजादी के आंदोलन के पूरे समय में स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात किया करते थे। तो स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात करने वाले आजादी के पहले के नेता थे। अब आजादी के 60 साल के बाद हमको स्वदेशी से स्वावलंबी भारत की बात क्यों करनी पड़ रही है? क्या हमारी मजबूरी है? क्या हमारी तकलीफ है? हमारा दुख क्या है? हमारा दर्द क्या है? हमारी पीड़ा क्या है? क्यों हमें यही बात कहनी पड़ रही है जो कभी गांधी जी को कहनी पड़ी, लाला लाजपत राय को कहनी पड़ी, विपिन चंद्र पाल को कहनी पड़ी, लोकमान्य तिलक को कहनी